गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कल आप किया वट इज़ डिमांड कि डिमांड की है ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आप कल किया वट इज़ डिमांड है लॉ ऑफ डिमांड अलग चीज़ है ठीक है पहले आप करेंगे वट इज़ डिमांड की है तो इन द डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड फिर तुम्हें ईजली समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड की है अज आप पढ़ा डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड इस तो पहले जरा आप कल वाला थोड़ा रिवाइज कर लिए दोबारा कल मैंने तुम्हें करवाया सी कल आप किया कि वट इज़ डिमांड डिमांड की है कि अपनी आम लैंगुएज मैं तुम्हें पहले ही कल भी दस्या कि आप अपनी इच्छा है ना ज अपनी कोई वॉन्ट्स या जरूरत आप डिमांड कहनी है पर इकनोमिकली डिमांड की है कि डिजायर फॉर ए कमोडिटी किसी भी एक चीज़ की इच्छा अबिलिटी टू पे इट बाय इट उन्होंने खरीदने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए है विलिंगनेस टू पे फॉर इट तो आप पे करने की है तैयार होने चाहिए हैं एट द गिवन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द गिवन टाइम पीरियड्स ठीक है ये एलीमेंट्स ऑफ डिमांड जेकर तुम फाइव एलीमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो दस तो ही ये डिमांड बनेगी जिनी देर जाके तुम मार्केट जाके किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर देंगे उन्नी देर तक वो डिमांड नहीं रहेगी और उन्नी देर तक डिजायर रहेगी वॉन्ट्स रहेगी डिमांड उदी बनेगी जो तुम इस चीज़ को खरीदने लिए तो पे करने लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो ठीक है तो हूँ अज आप करते हैं एलीमेंट्स ऑफ डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड ठीक है डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड कह लो फंक्शन ऑफ डिमांड कह लो ये है कि इनके अंडर आप पढ़ना की है डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होंगे कि डिमांड नू केड़े केड़े फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड केड़े केड़े फैक्टर्स नाल इनक्रीज होंगी है केड़े केड़े फैक्टर्स नाल डिक्रीज होंगी है ठीक है हुण इधर देखो कि डिमांड की है डिमांड तो कहता कहता इफेक्ट पैंदा डिमांड जिहड़ी है डी एक्स का मतलब की हो गया एक्स का मतलब है किसी भी कमोडिटी का नाम आप एक्स लिया कोई भी कमोडिटी हो सकती है तुम आइसक्रीम चॉकलेट्स अपनी कोई भी एग्जाम्पल लैके चल सकते हो तुम इकोनॉमिक्स से बस यही फायदा है कि तुम जिन्ने भी एग्जाम्पल्स लवेंगे आप सारे रूटीन लाइफ के लैने हैं सारे रेगुलर लाइफ के कि तुम माइक्रो पढ़े हो तो मैं पहले ही कहा कि माइक्रो के आप इंडिविजुअली प्रॉब्लम बारे स्टडी करते हैं ठीक है इंडिविजुअल बारे स्टडी करते हैं तो एक इंडिविजुअल दे की प्रॉब्लम्स ने उनके की डिमांड्स ने अपने की डिमांड्स ने ठीक है वो अपन कर दिया ने हुण फंक्शन ऑफ डिमांड के पहला पॉइंट आप पढ़िया एक्स की है कोई भी कमोडिटी किसी भी कमोडिटी नाम है डिमांड ऑफ एक्स ठीक है किंदा एफ का मतलब फंक्शन जिहड़ी कमोडिटी है एक्स है वो जो डिमांड है डिमांड ऑफ कमोडिटी वो किंदा किंदा फंक्शन है प्राइस एक्स पी एक्स मतलब प्राइस एक्स प्राइस ऑफ एक्स पी आर मतलब रिलेटड गुड्स की प्राइस प्राइस ऑफ रिलेटड गुड्स वाई इकनोमिक्स के आप वाई इनकम को किंदा लिखते हैं वाई ना लिखते हैं तुम शुरू होते पा लो वैसे तो आप कहेंगे इनकम के स्पैलिंग ये होंगे ने है ना इनकम नू आई दे नाल क्यों नहीं लिखते क्योंकि आई नू आपां लिखते हैं इनवैसटमेंट इकनोमिक्स दे विच आई का मतलब की हुंदा है इनवैसटमेंट तो इसलिए इनकम नू आपां लिखते हैं वाई नाल वाई का मतलब इनकम इनकम भी डिमांड नू इफेक्ट करती है ठीक है उस तो बाद सी ई आ गया सी कंज्यूमर एक्सपैक्टेशनस लास्ट पॉइंट करांगे आपां नंबर ऑफ बायर्स ये सारे जिहड़े फैक्टर्स ने यह डिमांड नू इफेक्ट करते हैं किमें इफेक्ट करते हैं ये आप पॉइंट टू की है वन बाय वन स्टडी करते हैं ध्यान नाल समझना वै ठीक है पहला पॉइंट आप किया पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स ठीक है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिमें प्राइस किमें डिमांड में इफेक्ट करती है कि जिमें जिमें किसी भी गुड्स की प्राइस इनक्रीज होंगी जाएगी इनक्रीज का सिंबल है उनकी डिमांड की है डिक्रीज हो जाएगी जो किसी चीज़ की प्राइस घट जाती है उनकी डिमांड की है बढ़ जाती है हुण मैं तुम्हें पहले ही कहा इकनोमिक्स जिन्हें भी एग्जाम्पल्स होंगे सारे अपने रूटीन लाइफ दिया होंगे आप दूर कितने नहीं जाना हूँ आप घर लैके चलते हैं किसी ने हसना नहीं है तेरी बुक्स के भी यही एग्जाम्पल्स हो जिमें हूँ आप लै लो मटर लै लो जो मटर महंगे हो जाते हैं मटर की प्राइस जो बढ़ जाती है तो आप उनकी डिमांड की है घट कर दें लेकिन जो उनकी प्राइस घट जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ा दें ठीक है सैकेंड एग्जाम्पल तुम कहते लै सकते हो सेल्स की सेल लग जाती है जो बाय वन गैट वन फ्री तो आप जो देखते हुए ना अपने बरनाले रहने स्पोर्ट्स किंग वाले लै लो जो सी वी किसी भी सीजन के एंड सेल लगती है तो उस दुकान पर कि रश पै जाता है मोंटी कार्लो का लै लो यानी कि क्यों क्योंकि उस चीज़ की प्राइस घट गई प्राइस घटने डिमांड की है बढ़ गई पर जो प्राइस बढ़ होती है डिमांड घट जाती है प्राइस घटते डिमांड बढ़ जाती है इन बिटवीन इन सीजन जो पूरा सीजन का टाइम होंगे प्राइसिस बहुत अप होंगे ने उदो अपनी डिमांड की होंगी है घट होंगी है डाउन होंगी है लेकिन इन द एंड ऑफ सीजन वैन प्राइस की है सेल्स जो लग जाए ने तो प्राइस घट जाती है तो अपनी डिमांड की है बढ़ जाती है यानी कि जी प्राइस है वो डिमांड में इफेक्ट करती है आप डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड में यही फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कड़े फैक्टर्स डिमांड में इफेक्ट करते हैं कड़े फैक्टर्स डिमांड में बढ़ाते हैं तो कड़े फैक्टर्स डिमांड में घटाते हैं यानी कि प्राइस की होगी प्राइस जो इनक्रीज होने डिमांड की है घट जाती है
इनका मतलब की हो गया प्राइस ते डिमांड दे विच कड़ा रिलेशन हो गया इनवर्स रिलेशन। प्राइस ते डिमांड दे विच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, क्योंकि जे प्राइस वधूगी तो डिमांड की है घट जूगी। ठीक है, अगे देखो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो पीपल यूज प्राइस एज ए पैरामीटर टू मेक डिसीजन। लोग पीपल्स की ने कि जड़ी हैगी है प्राइस नू एक पैरामीटर बनाने लिए अपने डिसीजन लैन के लिए यूज करते हैं। इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्सटेंट, दूजे फैक्टर सेम रहमते ये तुम जो ग्राफ डिमांड कराऊंगी उदो तुम लाइन चंग अच्छी तरह समझाऊंगी, हजे नहीं करवाती, टॉपिक लंबा हो जाएगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। और इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड दिस इंप्लाइज एन इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉलो रिडक्शन इन प्राइस एंड आ डिक्रीज इन डिमांड फॉलो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स। तो की कह रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड की है कि डिमांड द इंक्रीज होने पर जी फॉलो एज रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन मतलब घटना, प्राइस घट जाती है, एंड ए डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड के घटन पर फॉलो एन इंक्रीज इन द प्राइस, जी किसी गुड्स की प्राइस की है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड की है घट जाती है। हुण ला अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ये जो पूरे डिटरमिनेंट्स कर लेंगे ऐसे वीडियो एंड से दसूंगी कि अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्सटेंट इनका मतलब की है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हुण इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड नूं किवें इफेक्ट करेगी, जेकर अपनी इनकम की है, जेकर अपनी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। पहला तुसी मंथली 10,000 रुपीस अर्न कर रहे सी, हुण तुसी मंथली 20,000 रुपीस अर्न कर रहे हो। पहले 10,000 रुपीस अर्न कर रहे सी, हुण तुसी 20,000 रुपीस अर्न कर रहे हो। पहले तुसी 10,000 रुपए तुहाडी मंथली इनकम सी, हुण 20,000 है। नैचुरली गल है ना, तुहाडे कोल 10,000 रुपए वधिया है, तुसी चलो सारा दा सारा स्पेंड नहीं करोगे, कुछ सेव भी करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पेंड करोगे ना। 10,000 रुपए सेव भी नहीं करोगे, तो 10,000 रुपए जिहड़ा तुहाडा वधिया उहनू खर्च भी नहीं करोगे। कुछ पार्ट तुसी अपनी इनकम का की कर लोगे, सेव कर लोगे, कुछ पार्ट की कर दोगे स्पेंड कर लोगे। यानी कि इनकम के वधन से तुहाडी डिमांड की है वध जाएगी, इनकम के घटन से तुहाडी डिमांड की है घट जाएगी। यानी कि इनकम तो डिमांड के विच कड़ा रिलेशन हो गया, डायरैक्ट रिलेशन। कड़ा रिलेशन हो गया, डायरैक्ट रिलेशन हो गया। डिमांड तो प्राइस के विच कड़ा रिलेशन सीगा, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन सीगा। ठीक है, डिमांड ते प्राइस विच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, इनकम ते डिमांड दे विच डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। नैचुरली गल समझ रहे होंगे तुसी, तुहाडी रूटीन दे गल्लां ना, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी समझण वाली है, याद कुछ नहीं करना, बस तुहानू टॉपिक समझ आ गया, तुसी बस लिखते जाना इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तुहानू भी पता होएगा कि जे तुहाडी इनकम वध जाएगी तो तुहाडे खर्चे भी वध जाएंगे, तुहाडी डिमांड भी वध जाएगी। इनकम घट जाऊगी, तुसी आपदी डिमांड भी घटा दोगे। ठीक है, तो दोवां दे विच कड़ा रिलेशन पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, लेकिन प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, तुम्हें यह पता ही है प्राइस बढ़ जूगी डिमांड की है घट जूगी, जो प्राइस घट जूगी तो डिमांड बढ़ करोगे। ठीक है, हुण आ देखो पॉइंट्स एक्सप्लेन करते आप। राइजिंग इनकम लीड टू ए राइज इन द नंबर ऑफ गुड्स डिमांड बाय कंज्यूमर। जो किसी की इनकम बढ़ जाती है, राइज हो जाती है, तो उनके नाल कंज्यूमर अपनी डिमांड ऑफ गुड्स की है इनक्रीज़ कर देता है। सिमिलरली ए ड्रॉप इन इनकम इज अकोपेलेंट बाय रिड्यूस कंजम्पशन लैवल। तो इस तरह की हो जाएगा कि इस उल्ट सिमिलरली जेकर अपनी इनकम घट जाएगी तो साढ़े कंजम्पशनस भी घट जाएंगे। कंजम्पशनस मतलब डिमांड घट जाएगी। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज नॉन लीनियर इन अ नेचर। इस तरह ही की है कि डिमांड तो जरा इनकम है दोवों के बच्चे रिलेशन है नॉन लीनियर है। लीनियर का मतलब डायरैक्ट रिलेशन, नॉन लीनियर का इनडायरैक्ट रिलेशन। इनका मतलब क्या है, डायरैक्ट रिलेशन पाया जाता है। मार्जिनल स्टेबिलिटी डिटरमिनेंट द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन द डिमांड लेवल। की है कि मार्जिनल, अब आ लाइन तुम छोड़ दो, हज समझ नहीं आएगी, अब मार्जिनल स्टेबिलिटी जो चैप्टर करा उदो तुम समझाऊंगी कि मार्जिनल स्टेबिलिटी डिटरमिनेंट द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डिमांड लेवल। कि मार्ज थोड़ा उन दस दिनी है कि जी मार्जिनल स्टेबिलिटी होंगी है वह आप डिटरमिनेंट करते हैं डिमांड लेवल के अलग अलग पोर्शनस से किन्नी किन्नी सूँ स्टेबिलिटी मिल रही है। देखो किमें थोड़ा दस दिनी है कि मार्जिनल स्टेबिलिटी अपनी हरेक डिमांड जो भी आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं हरेक डिमांड से अपनी जी मार्जिनल स्टेबिलिटी है वो चेंज होंगी रहती है। किमें होंगी है, देखो सूँ हूँ प्यास लगी सी, प्यास लगने तुम्हें वाटर का एक पानी पीता, जो तुम गिलास पानी पीता, फिर तुम हजे एक गिलास होर पाँदा पी लिया, पर तुम जड़े पहले गिलास तो सैटिस्फैक्शन मिली है प्यास बुझाने की, वो दूजे गिलास तो नहीं ना मिली। जूस की एग्जाम्पल लै सकते हो, तुम जूस का गिलास किया, जिन्ना सैटिस्फैक्शन तुम फस्ट गिलास ऑफ यूज़ ने किया उन्ना तुम सैकेंड कप गिलास ऑफ यूज़ ने नहीं किया। तुम सैटिस्फैक्शन किन तो मिली, पहले कप तो। हुण जो तुम खाना खाना शुरू कर देंगे, पहली चपाती तुम खाने हो, फिर दूसरी खाने हो, तीसरी खाने हो, जिमें जिमें चपाती खा रहे हो पेट जिमें जिमें भरी जा रहा है, तो मार्जिन स्टेबिलिटी की है घटती जा रही है। यानी कि स्टार्टिंग से मार्जिन स्टेबिलिटी वध होती है, उस तो बाद की है घट जाती है। ऐसे पॉइंट यही कह रहे हैं कि मार्जिन स्टेबिलिटी डिटरमिनेंट द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डिमांड लैवल। कि डिमांड लैवल के हर पोर्शन से साड़ी मार्जिन स्टेबिलिटी की है चेंज हो जाती है। ठीक है, हुण इन एक कंसैप्ट होर भी है कि
इनकम ते डिमांड दे विच तां इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन पाया जांदा है, लेकिन रियल इनकम एंड डिमांड दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन पाया जांदा है। हुण तुसीं कहोगे इनकम की हुंदी है ते रियल इनकम की हुंदी है। इनकम का मतलब हुंदा वै कि तुहानूं मंथली किन्नी सैलरी मिल रही है। इनकम का मतलब की हुंदा है कि तुहानूं मंथली किन्नी इनकम मिल रही है। सपोज तुहाडी इनकम आपां छोटा अमाउंट लैके चलदे हां 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये तुहाडी मंथली इनकम है, ठीक है। उस टाइम तुसीं अपनी मंथली इनकम है, हुण आपां सपोज करो आपां एक ही प्रोडक्ट लैके चलदे हां, एप्पल लैके चलदे हां, ठीक है, एप्पल है। हुण एप्पल दे रेट्स जेकर 20 रुपए किलो एप्पल आपां अज्यूम करके चलदे हैं कि एप्पल 20 रुपए किलो है, तुहाडी इनकम 100 रुपए है, तो तुसीं हुण इस 100 रुपए दे विच किन्ने किलो एप्पल खरीद सकते हो? 5 किलो ही खरीद सकते हो ना, कि जेकर तुहाडी इनकम 100 रुपए है, एप्पल 20 रुपए किलो है ना, 20 रुपीज़ पर केजी है, तो तुसीं किन्ने एप्पल खरीद सकते हो? 5 किलो। हुण की होया कि तुहाडी इनकम तो 100 रुपए ही है, इनकम तुहाडी 100 रुपए ही है, लेकिन एप्पल की प्राइस वध के 25 रुपए हो गई। एप्पल जड़े पहला 20 रुपए किलो से, हूँ 25 रुपए किलो है, ठीक है। हूँ तुम किन्ने किलो एप्पल खरीद सकते हो? 4 किलो। हूँ तुम किन्ने एप्पल खरीद सकते हो? 4 किलो। लेकिन तुहाडी इनकम तो उन्नी ही है ना, इनकम तो नहीं पहला भी 100 रुपया से, इनकम तुहाडी हूँ भी 100 रुपये ही है, लेकिन तुहाडी हूँ तुम पहला जड़े 100 रुपए 5 किलो एप्पल खरीद सकते थे, हूँ उस 100 रुपए 4 किलो एप्पल खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि तुहाडी रियल इनकम घट गई, जाने कि प्राइस दे वधन ते तुहाडी इनकम तो सेम रहिंदी है लेकिन तुहाडी रियल इनकम घट जाती है। इनू बोलते हैं रियल इनकम। वैरी वैरी इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कोई इंटरव्यू होंगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियल इनकम की होंगी है। रियल इनकम का तुम किमें एक्सप्लेन करोगे कि सेम इनकम रहनते साड़ी इनकम तो उन्नी ही सेम है, प्राइस के बदन से साड़ी रियल इनकम की है घट जाती है। ऐसे तरह उल्ट करके भी देख लें, जे एप्पल हो जाए हूँ 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो हो जाए, ठीक है, 10 रुपए किलो है, इधर की होएगा कि इनकम तो नहीं 100 रुपए ही है, एप्पल की प्राइस घट के 10 रुपए होगी, ठीक है। तो हुण तुसीं किन्ने किलो एप्पल खरीद सकते हो? 10 किलो। जाने कि सेम इनकम ते प्राइस दे घटन ते तुहाडी रियल इनकम की होगी वधगी। किवें इहनूं लिखोगे? किवें कि सेम इनकम ते, इनकम मतलब कॉन्सटेंट है तुहाडी, इहनूं कॉन्सटेंट सिंबल एवें हुंदा वै कि इनकम तुहाडी 100 रुपए ही है, लेकिन प्राइस वधन ते तुहाडी जिहड़ी रियल इनकम है वह की होगी? घट गई। समझ आ गई ना किवें? इहनूं इह हुंदी है रियल इनकम, कि सेम प्राइस ते, सेम इनकम ते प्राइस दे वधन ते तुहाडी रियल इनकम घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि तुसीं उन्नी इनकम ते पहला जिन्नी क्वांटिटी किसी चीज़ की परचेज कर सकते सी, हुण उन्नी नहीं कर सकते क्योंकि तुहाडी रियल इनकम की है? घट गई, ठीक है। ये टॉपिक आ जाता वै, क्लीयर लगता, समझ आ गई होएगी मैनूं लगता सारे नूं। थर्ड पॉइंट तुहाडा आ गया हुण प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस। रिलेटेड गुड्स दो तरह दीआं हुंदीआं ने, एक हुंदा कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट, एक हुंदा सब्जीट्यूट गुड्स। एक हुंदा कॉम्पलीमेंटरी गुड्स, एक हुंदी है सब्जीट्यूट गुड्स। सब्जीट्यूट गुड्स ते कॉम्पलीमेंटरी गुड्स पता है सबनूं की हुंदा, ठीक है। आपां इहनूं करदे हुण, मैं तुहानूं देखो ध्यान नाल थोड़ा ही करवाऊंगी अज्ज, इन्ना टॉपिक समझ लियो पहला फिर अगे करांगे। आपां करदे हुण कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट। कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट की हुंदियां ने? पूरक वस्तुआं जिहड़ियां कि एक दूजे तो बिना अनकंप्लीट ने, ठीक है, जिहड़े एक दूजे तो बिना अधूरियां ने। जिवें कि आपां कह दईए पेन, तुहाडे कोल पेन तो है लेकिन उहदे विच जे तुहाडे कोल इनकम नहीं है तो पेन की है? यूजलैस है, ठीक है। तुहाडे कोल रिमोट है लेकिन उहदे विच सैल नहीं है तो रिमोट तुहाडे लई किसी काम का नहीं हैगा, ठीक है। मोबाइल है लेकिन उहदे विच अगर तुसीं उहनूं रिचार्ज नहीं करवाया तो तुहाडे लई यूजलैस है। कार हैगी है तुहाडे कोल लेकिन उहदे विच पेट्रोल नहीं है। ये होंगे कॉम्पलीमेंटरी गुड्स जो एक दूजे तो बिना अधूरिया ने। हुण इनका डिमांड नाल की चक्कर है, इनकी प्राइस का डिमांड नाल की रिलेशन है? जेकर पेन की प्राइस वध जाती है, पेन दे विच की पैंदा है? इंक पैंदी है, है ना। पेन की प्राइस वधन ते इंक की प्राइस तो सेम ही है लेकिन डिमांड किंदी वध जूगी? डिमांड की है, इंक की डिमांड की हो जूगी? घट जूगी। जे आप इंक की डिमांड कहीए, जेकर प्राइस किंदी लै रहे हैं आप? पेन की प्राइस वध गई लेकिन डिमांड पेन की प्राइस वधन नाल पेन की डिमांड घटा देंगे। जे पेन की डिमांड घट जूगी फिर इंक की डिमांड भी घट जूगी। जो तुम पेन ही नहीं खरीद रहे फिर तुम इंक की करोगे? ठीक है। ये होंगे कॉम्पलीमेंटरी गुड्स में की आंदा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस वधन से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड की है? घट जाती है। तो इस तरह ही जेकर पेन की प्राइस घट जूगी, इंक की प्राइस की है? कॉन्सटेंट है लेकिन इसकी डिमांड की है? वध जाएगी, ठीक है। तो आप किवें लिखा एक्सप्लेन करांगे कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट की होगी कि प्राइस के घटन से एक प्रोडक्ट की प्राइस घटन से जो उनका कॉम्पलीमेंट है उनकी प्राइस सेम रहने भी उनकी डिमांड की है? वध जाएगी। जेकर इंक की प्राइस पेन की प्राइस घट गई
पेन की प्राइस घट गई तो तुम की करोगे पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, पेन की डिमांड बढ़ गई तो नैचुरली गल है इंक की डिमांड भी बढ़ जूगी। क्लीयर? ठीक है ठीक है, क्लीयर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स की होंगे ने एक दूजे तो बिना अधूरिया, जिवें हम तुम कार लै लो, प्राइस ऑफ कार की लै लो, प्राइस ऑफ कार बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड की हो जाएगी, सेम प्राइस से पेट्रोल की डिमांड की है घट जाएगी, क्योंकि जो कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो आप कार की डिमांड घट कर देंगे, कार की डिमांड घट हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड तो अपने आप ही घट जानी है, उनकी सेम प्राइस से उनकी डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, ऐसे तरह हम दूसरा पॉइंट आ देखो बुक इतने कर लो क्लीयर। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड इनक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कोज ए डिक्रीज इन द क्वानिटी डिमांड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्लीयर हो गया ना कि जो एक वन प्रोडक्ट की जी प्राइस के वन से विल कोज तो उनका की नतीजा निकलेगा, डिक्रीज इन द क्वानिटी डिमांड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जोड़ा उनका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उनकी डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी। जिमें पेन का कॉम्प्लीमेंट्री की हो गया इंक हो गया, पेन की प्राइस वन से उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है यानी कि इंक उनकी डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है राइस की दी है, राइस इन द प्राइस ऑफ ब्रैड, ब्रैड की प्राइस वन से विल रिड्यूस द डिमांड फॉर बटर, तो बटर की डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी, सेम प्राइस से बटर की डिमांड की है घट जाएगी। थस अराइज बिकॉज द प्रोडक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, क्योंकि दोवें प्रोडक्ट आपस की ने नेचर की ने कॉम्प्लीमेंट्स ने। तुम कोई भी एग्जाम्पल लैके चल सकते हो, पेन तो इंक की लै सकते हो, कार तो पेट्रोल की लै सकते हो, रिमोट तो सैल की लै सकते हो, ब्रैड तो बटर की लै सकते हो। क्लीयर? हाँ जी, हुण आपां करदे हां सब्जीट्यूट प्रोडक्ट। सब्जीट्यूट प्रोडक्ट कहड़े हुंदे ने जिन्हों आपां एक दी जगह ते दूसरे नू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेकर एक प्राइक दे प्रोडक्ट की प्राइस वध जांदी है तां आपां उहदी जगह ते ठीक है दूसरे की डिमांड की है बढ़ जाती है। इन्हें आप कि लेंगे जिमें आप एग्जाम्पल लैके एग्जाम्पल दें फिर तुम्हें ईजी समझ आ जाएगी। एक आप एग्जाम्पल लें टी ते कॉफ़ी की। ठीक है, हुण आपां की है ये तो हम जिवें तुसीं चाह लै सकते हो जां कॉफ़ी पी सकते हो, हुण जूस लै लो किन्ने किन्ने तरह के आते हैं। ठीक है, तुसीं कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो जां फेंटा, तुहाडे कोल दोवें ऑप्शन है तो दोवें ने इक्को ही काम करना। ठंड के गर्मी के आप की है कोल्ड ड्रिंक लवेंगे जां फेंटा लवेंगे। हुण जिवें आप मार्केट गए आपको गर्मी बहुत लग रही है, आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जो आपको लग रहा है कि कोका कोला की प्राइस की है ज़्यादा वै और आपको महंगा पै रहा है तो आप फेंटा लै लेंगे। ठीक है ना, तो इन की होएगा कि एक दे कॉम्पली सब्जीट्यूट गुड्स के होंगे वै कि जेकर प्राइस ऑफ आप लै लिया पैपसी लै रहे हैं, प्राइस ऑफ पैपसी इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सेम प्राइस से अपन की जगह दूजा लै रहे हैं प्राइस ऑफ फेंटा, प्राइस ऑफ फेंटा सेम रहते ये की है प्राइस ऑफ पैपसी, ये की है प्राइस ऑफ फेंटा, कि प्राइस ऑफ पैपसी की इनक्रीज होगी तो फेंटा की प्राइस तो सेम है लेकिन इनकी डिमांड की होगी वधगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑफ पैपसी की है प्राइस बदन के नाल इनकी डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी, तो पैपसी फेंटा की प्राइस सेम रहते इनकी डिमांड की हो जाएगी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होंगे सब्जीट्यूट गुड्स, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस इनक्रीज होने जोड़ा उनका सब्जीट्यूट्स है उनकी डिमांड की है बढ़ जाती है। इस तरह टी तो कॉफ़ी लै लो। ठीक है, जेकर प्राइस ऑफ टी है वह इनक्रीज हो जाती है तो डिमांड किंदी बढ़ जूगी कॉफ़ी की, क्योंकि प्राइस ऑफ टी महंगी होने कारण उनकी प्राइस ज़्यादा होने कारण प्राइस डिमांड ऑफ टी की हो जाएगी घट जूगी। हुण लोग की होंगे कि चाह महंगी होगी तो चाह महंगी हो जाएगी तो लोग उनकी डिमांड घट कर देंगे, लेकिन हुण सर्दियों के गर्म कुछ तो लैणगे ना, जो चाह नहीं पीएंगे तो फिर वो कॉफ़ी लै लेंगे, तो कॉफ़ी की प्राइस की है सेम रहते उनकी डिमांड ऑफ कॉफ़ी की हो जाएगी बढ़ जाएगी। इन तुम किमें लिखोगे इस तरह कि उंज तुसीं थ्योरी टाइप भी लिख सकते हो कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इनक्रीज तो दैन डिमांड ऑफ कॉफ़ी इनक्रीज, चाहे तुसीं एवें लिख लो। ठीक है, कि जेकर कॉफ़ी की प्राइस कॉन्सटेंट रहते उनकी कॉफ़ी की डिमांड की हो जाएगी बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की डिमांड क्यों वधी है, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई। रीज़न की है, तुहानूं क्वेश्चन एम सी क्यू आ सकता है, वन मार्क्स आ सकता है कि डिमांड की कॉफ़ी की प्राइस सेम रहते कॉफ़ी की डिमांड क्यों वधी है, क्योंकि जिहड़ी हैगी है टी की प्राइस की होगी इनक्रीज होगी, टी की प्राइस इनक्रीज होने उनकी डिमांड की होगी घट गई, जिंदे करके की होया कि कॉफ़ी की डिमांड की है बढ़ गई। देखो हूँ एन इनक्रीज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कोज एन इनक्रीज इन द डिमांड फॉर ए सब्जीट्यूट प्रोडक्ट। की हो गया कि एक प्रोडक्ट की प्राइस इनक्रीज होने उनका रीज़न की निकलेगा, इनक्रीज इन द डिमांड फॉर ए सब्जीट्यूट प्रोडक्ट, कि जो उनका सब्जीट्यूट प्रोडक्ट होएगा उनकी डिमांड की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी। हम एग्जाम्पल राइज इन प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस वधन से विल इनक्रीज द डिमांड फॉर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की डिमांड क्यों वधी है, क्योंकि टी की प्राइस ज़्यादा होगी, टी की प्राइस ज़्यादा होने करके उनकी डिमांड घट गई। हूँ आप कुछ तो लवेंगे ना तो आप टी की जगह पर किनू कि डिमांड कर देंगे कॉफ़ी की कर देंगे, एंड डिक्रीज द डिमांड फॉर टी, तो टी की डिमांड की हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, हूँ तुम इन मैं डायग्राम के थ्रू समझावा।
बस हम अपने सिर्फ डायग्राम समझांगे इन्ना की करांगे ताकि तुहानू ईजली समझ आ जाए। ठीक है, अब हम पहले डायग्राम्स कर रहे हैं सब्जीट्यूट गुड्स की। देखो डायग्राम्स किवें बनाने हैं, तुसी इनू कर्व कह लो, डायग्राम कह लो, फिगर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इस पर एरो पाने हैं, ये एक्स वाई होंगी है, ये तुहाडी एक्स होंगी है, ये जीरो। ये ध्यान रखना है कि तीन चीज़ा कैपिटल लिखनिया ने, स्मॉल लैटरस नहीं लिखनिया। वाई भी कैपिटल लैटरस, एक्स भी कैपिटल लैटरस, ओ भी कैपिटल लैटरस। नीचे हमेशा तुहाडी की होएगी क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख लो, डिमांड लिख लो। ठीक है, इधर तुहाडी ओ वाई एक्सिस ते होंगी है प्राइस। क्लीयर, तुसीं इन डायग्राम की प्रोपर एक्सप्लेनेशन करनी है कि ओ एक्सिस ते असीं की शो कर रहे हैं क्वांटिटी, ओ वाई ते असीं की लै रहे हैं प्राइस लै रहे हैं। हुण की होया कि पहला प्राइस किन्नी सीगी, आपां हुण आपां इहदे च टी ते कॉफी लैके चलदे हैं, आपां सब्जीट्यूट गुड्स की गल कर रहे हैं। एक टी आपां सॉरी एक टी लैके चल रहे हैं, दूजे पासे आपां की लैके चल रहे हैं, कॉफी लैके चल रहे हैं। सब्जीट्यूट गुड्स की गल कर रहे हैं, पहले आपां टी की डायग्राम बनाने हैं। टी की प्राइस पहला इन्नी सी ते डिमांड इन्नी, फ्री हैंड बनानिया ने, कोई टेबल नहीं बनाना। कि टी की प्राइस जो ओ पी सी, तो टी की डिमांड किन्नी कर रहे थे आप, ओ क्यू। जो टी की प्राइस ओ पी सी, तो टी की डिमांड किन्नी कर रहे थे असी, ओ क्यू कर रहे थे। ठीक है, इतने लिख दो कि प्राइस ओ क्वांटिटी ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी तो क्वांटिटी ऑफ टी। जो प्राइस किन्नी सी ओ पी सी, तो असी डिमांड किन्नी कर रहे सी, ओ क्यू कर रहे सी। हुण की होया कि टी की प्राइस वध गई, टी की प्राइस वध के इन्नी होगी। जे टी की प्राइस वध जूगी तो असं टी की डिमांड की कर देंगे, घट कर देंगे। आ टी की प्राइस इन्नी वध गई, तो इन की होया कि टी की जी डिमांड से घट गई। पहला ओ क्यू सी, हुण किन्नी होगी, ओ क्यू वन होगी, घट गई ना इधरले पासे आ गई। तो टी की प्राइस वध के पी तो पी वन होगी, कि जो टी की प्राइस पी तो वध के पी वन होगी, तो इनकी डिमांड घट के क्यू तो क्यू वन होगी। इनका एरो ऊपर वाले पास हो गया, इनका एरो नीचे वाला पास हो गया। डिमांड कभी स्लोप नूं मिला, ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व की स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होंगी है, हमेशा हेठा वाले पासे जाती है। ओके, हुण इस तरह ही आप अगे करते हैं, बनाने हैं कि टी दी हो गया, तो इंदे नाल कॉफ़ी की डिमांड पर की इफेक्ट पेगा। टी की प्राइस वधन पर टी की डिमांड घट गई, हुण कॉफ़ी पर की इफेक्ट पेगा। इतने आप वाई लवेंगे, इतने आप एक्स लवेंगे, इतने आप जीरो लवेंगे, इतने आप लवेंगे प्राइस ऑफ कॉफ़ी, इतने लवेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, पहला टी की प्राइस इन्नी सी, डिमांड इन्नी सी, टी की प्राइस ओ पी सी, ठीक है, कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की क्वांटिटी किन्नी कर रहे से आप, ओ क्यू कर रहे। हुण की होया कि जो टी की प्राइस वध गई, तो इनकी डिमांड घट गई, तो कॉफ़ी की सेम प्राइस से, प्राइस तो ओ पी उन्नी ही है, लेकिन इनकी डिमांड की होगी, वध गई। पहला डिमांड कव स्लोप आवली सी, हुण डिमांड कव स्लोप कड़ी बन गई, आवली वध गई। ठीक है, मूव कर गई, इनू कहिंदे ने कि शिफ्ट कर गई। पहला डिमांड कव किन्नी सीगी, अपनी डिमांड कव डी डी सीगी, हुण अपनी डिमांड कव कड़ी बन गई, डी वन वन बन गई। इहदे च पहला अपना पॉइंट ए सीगा, सॉरी आ ए सीगा, इत्थे की सीगा बी, जाने कि है तो इक्को लाइन दे विच, ए तो बी वल की कर गया, मूव कर गया। ये आपां कहांगे कि डिमांड कव शिफ्ट कर गई, डी डी तो डी डी वन वन हो गई। ठीक है, आज की वीडियो आप इन्ना ही करांगे, इनू तुसीं समझो, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स डायग्राम कल कराऊंगी, फिर तुसीं पजल हो जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करियो, ना समझ लगी तो कल दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जिन्होंने भी ना समझ लाई, मैंने पर्सनली मैसेज कर देने हैं, तो आपके डाउट्स की है क्लीयर कर लेने हैं। ठीक है।